आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे का जो लैंडस्केप है, बेसिकली मैं गुलमर्ग में हूँ और चूंकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स फेस्टिवल चल रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कॉम्पिटिशन है, स्कीइंग कॉम्पिटिशन, वो चल रहा है। बेसिकली ये जो इवेंट है इसका इनॉग्रेशन आज होना था, लेकिन गुलमर्ग के हालात कुछ ऐसे थे कि इवेंट्स में थोड़ा बहुत स्केड्यूलिंग में चेंज आ गया। और अभी चूंकि जो इवेंट हम कवर कर रहे हैं, इससे पहले एक और इवेंट हुआ था जिसमें इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट से जो विमेन है वो आई थी और स्कीइंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी जो मेन स्कीइंग है वो चल रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों का हजूम है। बेसिकली यहाँ पे अभी तक तकरीबन 600 से ज़्यादा एथलीट्स ने शिरकत की है। अब 5 दिन का ये इवेंट है, 5 दिन अलग अलग किस्म की जो गेम्स वगैरह है वो चलेंगी और अभी तक जो हमारे गेस्ट हैं वो नहीं आए हैं और एलजी साहब खुद यहाँ आएंगे इस इवेंट के लिए। बट जैसा कि मैंने कहा कि कल मौसम ख़राब होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, बट आज उनकी शिरकत जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। मज़ीद जानकारी जो है वो हम आपको हर दिन का क्या क्या इवेंट का हाईलाइट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी जो करंट आप देख सकते हैं, बर्फ़ में विंटर गेम्स का मज़ा लिया जा रहा है। सरमद हफीज़ साहब, सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, हमारे साथ हैं। सर, मुझे बताइए कि खेलो इंडिया का 4th एडिशन है, 3 पहले हो चुके हैं, किस तरह से मुख्तलिफ है प्रीवियस एडिशन से? देखिए, इस एडिशन में हमारी कोशिश है कि हम इन गेम्स को ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएं और हम अपना स्टैंडर्ड जो है और ज़्यादा रेज करें। और इस बार हमारी पार्टनरशिप जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ है, उनकी हमें यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मिल रही है और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं बाहर से आए हैं, जो हमारी फेडरेशन हैं, फेडरेशन के साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं द स्टैंडर्ड ऑफ द गेम्स हैज़ गॉन अप और हमारी कोशिश है कि इस साल हम ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उन पर कॉन्सेंट्रेट करें और सिर्फ हमारी जो स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, एल्पाइन और आप देख रहे हैं क्रॉस कंट्री स्कीइंग चल रही है, स्नो माउंटेनियरिंग है, उन गेम्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करें ताकि वी आर एबल टू प्रोड्यूस एथलीट्स हु कैन रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल इवेंट्स। ओके सर, आर्टिकल 370 के बाद पार्टिसिपेशन में कोई चेंज मिला? लाइक इज देयर एनी इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स? देखिए, देर आर पार्टिसिपेंट्स, अब यू कैन ऑलरेडी सी कि यहाँ कैसा माहौल है। देर इज सो मच एंथुजियाज्म बिटवीन अमंग द स्कीयर्स। देर आर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु आर पार्टिसिपेटिंग। वी हैव स्की कोर्सेज रनिंग हियर, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग स्की कोर्सेज करता है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और भी कई ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जो स्की कोर्सेज करती हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ओकेजन एंड पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग इट। आप देख रहे हैं टूरिज्म इज ऑल्सो डूइंग वंडरफुली वेल और कितने हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, दुनिया के हर कोने से आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं जो यहाँ हमारे स्कीइंग को एंजॉय कर रहे हैं। So since it's a 5-day long event, so do you think this is some way going to improve the economy in the area? Definitely, I think it's a great tourism event also. When the first Khelo India Games started, it was perceived to be and envisaged as a tourism event because it helps us showcase the beauty of Gulmarg, the facilities that we have, the winter wonderland, the skiing, the slopes, the experience that one can have here, and it is also an invitation to people from all over the country to come and visit Gulmarg and come and visit Jammu and Kashmir, which has such wonderful winter tourism. My name is Ladol, I'm from Ladakh. अभी यहाँ हम लोग यहाँ पे खेलो इंडिया के लिए आए हैं। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? हाँ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं 2 साल के बाद यहाँ पे पहली इवेंट किया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरती है, यहाँ बहुत सारे इवेंट्स भी है, पार्टिसिपेशन भी बहुत टफ था, बहुत अच्छा लगा जी। अब देखें, एक फीमेल पार्टिसिपेंट है, लद्दाख से यहाँ पे आई, ऑल द वे ट्रैवल किया, तो मुझे बताइए कि देखिए मोस्टली जो लड़कियाँ होती है नहीं पार्टिसिपेट कर पाती हैं इन इवेंट्स में, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, ज़्यादातर ऐसा रहता है कि हर किसी को ये करने का वो मौका मिलना चाहिए, पर लद्दाख में ऐसे बर्फ़ गिरते नहीं है और यहाँ और लद्दाख में ऐसा स्की वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं जाता। मैं अभी जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग विंटर स्पोर्ट में काम करती हूँ, तो मुझे ये चांस मिला है, हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें इतना चांस दिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छे की बात है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। और भी लड़कियाँ इतना करना चाहती हैं तो उनको मौका नहीं मिल पाता इसलिए जी। और गुलमर्ग को लेकर क्या राय है, कैसा लगा यहाँ का लैंडस्केप? गुलमर्ग यहाँ पे अच्छा, स्कीइंग के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हर बाहर से भी आते हैं तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। मेरा नाम इफ्रान जुम्मन,
आप कहाँ से? जी मैं लद्दाख से हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा। और मुझे बताइए, देखिए लद्दाख और यहाँ का जो लैंडस्केप है काफी डिफरेंट है, और बर्फ वहाँ भी पड़ती है यहाँ भी पड़ती है, तो क्या लगता है लद्दाख में भी पोटेंशियल है इन स्पोर्ट्स का, लाइक ऐसा कुछ इवेंट? हाँ, पोटेंशियल हर एक स्टूडेंट में है, लाइक हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में। तो बात ऐसी है कि गुलमर्ग जो है वहाँ पर हमें काफी सारा वो ऐसे फैसिलिटीज मिलता है, बच्चों को ऐसे एकोमोडेशन मिलता है, और यहाँ पे काफी सारा स्लोप भी है, ट्रैक्स भी है, और काफी बीटिंग स्लोप भी है। तो यस, अरेंजमेंट्स की आपने बात की, तो जैसे अकोमोडेशन मिला या आपको जैसे यहाँ तक पहुँचाया या ट्रैवल वगैरह, तो कैसा, स्मूथ था या उसमें भी कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, स्मूथ था, स्मूथ था। हेमचंद्रा सिंह, मैं प्रिंसिपल जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स। कहाँ से आप? मैं पहलगाम से आ रहा हूँ अभी। हाँ जी, ओके। मुझे बताइए, स्पोर्ट्स जानब की तरफ से जो ये इवेंट रखा गया है खेलो इंडिया, तो अब चूंकि आप इसी डिपार्टमेंट से ही है ऑलमोस्ट, तो क्या लगता है क्या बेहतरी हो सकती है, और आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा अभी तक? नहीं, अभी तो मैं जस्ट पहुंचा ही हूं, बट इफ यू कैन सी द अरेंजमेंट्स, सो दे हैव डन गुड अरेंजमेंट्स, और यहां पर काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी जो यहां पर काम कर रही है, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, उसके बाद जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, हमारे पार्टिसिपेंट्स और ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, देन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाले, एंड देन यूथ अफेयर्स एंड ऑल दोज पीपल, सो आई सी मोर और लेस अरेंजमेंट्स हैव बीन डन गुड एंड इट इज गोइंग स्मूथली। ओनली अभी तो आई थिंक ओनली वन इवेंट हैज हैपेंड, वो बेसिकली गर्ल्स का नॉडिंग इवेंट अभी हुआ है, और बॉयज का नॉडिंग इवेंट अभी फिनिश होने वाला है। तो ओवरऑल अभी आई थिंक इट इज गोइंग गुड, एंड वी फील दैट मे बी सम अरेंजमेंट्स मोर वुड बी रिक्वायर्ड, काफी ज्यादा पैसे लोग यहाँ पर हैं, तो जैसे कन्वीनियंसेज एंड ऑल दे शुड बी मोर, आई थिंक दैट इज देयर, बाकी तो आई थिंक मोर और लेस इट हैज बीन अरेंज्ड गुड। हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर बॉबी पांडे। और आप क्या स्पोर्ट्स में क्या खेलते हैं? मैं अल्पाइन स्कीइंग पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, पैलेस स्लालोम। आप है कहाँ से? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और आर्मी टीम से खेल रहा हूँ। मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा यहाँ पे? इस बार खेलो इंडिया में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है, स्टार्टिंग काफी अच्छा है, और देखते हैं अभी फिनिश कैसा रहता है, अपना मेडल से कैसे रहते हैं। और अरेंजमेंट्स वगैरह जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से और टूरिज्म की तरफ से हुआ, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अभी तक इस बार काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, और अभी स्लोप मेंटेनेंस के बाद देखने के बाद फिर बताएंगे स्लोप मेंटेनेंस कैसा है, कैसा एक्सपोजर मिला। तो आपने अभी कोई गेम खेली अभी तक? अभी हमारा कल हमारा पहले स्लोम का पहला रन है, तो वो ऊपर होगा। नाम सपना है। और कहाँ से आए हो? मैं उत्तराखंड से, आईटीबीपी टीम से। ओके, और आपका अभी गेम जो है हो गया एंड लकीली आपने जीता भी, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार ही आए हैं, पहली बार ऐसे खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। कैसा लगा कश्मीर आके? कश्मीर आके तो बहुत अच्छा लगा, कश्मीर तो इतना सुंदर है, यहाँ आके तो किसी को भी अच्छा लगेगा। काफी अच्छा। मुझे बताइए कि देखिए आपका जो स्टे था या आपका जो भी ट्रैवल वगैरह था जो टूरिज्म की डिपार्टमेंट की जानिब से हुआ था, तो अरेंजमेंट्स को लेके क्या आप सेटिस्फाइड हैं? ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा, इससे पहले कैसा होता था ये हमें नहीं पता, पहली बार है, तो हम तो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वहाँ पे ही गाड़ी वाड़ी आ गई थी, बस वो थोड़ा रूट थोड़ा खराब था बर्फ की वजह से, बाकी तो सब अच्छा था, रहने का भी अच्छा है जी। अब देखिए जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स होती हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? फीमेल ये है कि बहुत जगह ऐसा होता है लड़कियों को कम इस चीज में आगे बढ़ने दिया जाता है ना, तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, अच्छा करें सब।